नमस्कार वैष्णवी, इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसके लिए हम मोदक बनाएंगे। हमारे चैनल पर आप कई तरह के मोदक देख सकते हैं। आज हम चना दाल के मोदक बनाएंगे, जो बनाने में बिल्कुल आसान है। हमने 250 ग्राम चना दाल लेकर 3-4 बार धोकर और कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसे भिगो दिया। अच्छी तरह से चना दाल फूलनी चाहिए, तो ये 1 कप ले लिए हम, 1 कप चना दाल ले लिए हैं। आप किसी भी कटोरी गिलास से ले लें या अपने ज़रूरत के हिसाब से ले लें। इसका हम पानी निकाल दिए हैं। एक मिक्सी के जार ले लेंगे, हम चना दाल को पीस लेंगे। दरदरा पीसना है और पानी कम से कम डालें। दाल को पीस के तैयार कर लिए, थोड़ा थोड़ा 2 बार करके पीस लिए और थोड़ा सा पानी डाल लिए ताकि आसानी से दाल पीस जाए। ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो ज़्यादा ये पतला हो जाएगा। हल्का सा दरदरा हम पीस लिए हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल या घी किसी में भी आप डीप फ्राई कर सकते हैं, वैसे घी में ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं थोड़ा सा घी ले ली हूँ, इसी में डीप फ्राई करूँगी। और दाल में कुछ ना मिलाएं, नमक मिर्च कुछ भी नहीं मिलाएं। इसे ऐसे ही पापड़ी की तरह निकाल लेंगे, जैसे पकौड़ा निकालते हैं। पकौड़ा का बैटर थोड़ा सा पतला रहता है, लेकिन ये ऐसे ही थोड़ा निकालेंगे जिससे घी या तेल कम सोखे। ये घी अच्छी तरह गर्म हो जाए, उसके बाद ऐसे पतला पतला करके, क्योंकि बैटर तो है नहीं पकौड़े की तरह, पापड़ी की तरह ऐसे पतला कर लेंगे। छोटी छोटी टिक्की की तरह इसे डीप फ्राई कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। छोटे छोटे ट्रिक का आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से बना लेंगे। नीचे से जैसे थोड़ा सा सिक जाए ना, तो इसे पलट देंगे, लेकिन दोनों तरफ उलट पलट करते हुए इसे बिल्कुल कुरकुरा सेकेंगे, कच्चा नहीं रहना चाहिए। एक बार हम पलट देंगे इसे। अब इन टिकिया में लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, अच्छी तरह से पक चुकी हैं। आप ध्यान दें कि कच्चा ना रहे। अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप हाथ से तोड़ के देखें, कच्चा लगे तो दोबारा से इसे तल लें, क्योंकि अगर कच्चा रहेगा तो मोदक अच्छा नहीं लगेगा। इसे हम निकाल लेंगे। कितना कड़कड़ाने की आवाज़ आई है, अच्छी तरह से पक चुका है। इस तरह से कुरकुरी टिकिया बना लेंगे। इसमें भी गोल्डन कलर आ चुका है, निकाल लेंगे। बिल्कुल कुरकुरा हुआ है और सेम तरीके से जितना चना दाल बची है हमारे पास, इसे भी डीप फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल कुरकुरा है, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, कच्चा नहीं है ये। जब ये टिकिया कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तब इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें और आप ऐसे तोड़कर चेक करें, कच्ची तो नहीं है ये टिकिया। अगर कच्ची हो दोबारा डीप फ्राई कर लें। इसे थोड़ा ऐसे ही हाथ से तोड़ के छोटा कर लेंगे। अब एक मिक्सी के जार लेंगे और इसी में हम ये टिकिया डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इसे 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके पीस लिए, इसे ठंडा कर लेंगे, आसानी से पीस जाएगा। जैसे बारीक बूंदी वाला लड्डू होता है बूंदी के, उसी तरह इसका दाना भी होता है छोटा छोटा। अगर इसका लड्डू बनाते हैं तो जैसे बूंदी का लड्डू ही लगता है। जो हमने दाल पीस के तैयार किया है उसमें से हम 1 कप दाल निकाल लिए। 2 तरह के मोदक बनाएंगे, थोड़ा सा गुड़ में बनाएंगे और थोड़ा चीनी में बनाएंगे। आपको जैसे पसंद हो उस तरीके से बना लें। अब हम चाशनी तैयार करेंगे इस कढ़ाई में, कि जो 250 ग्राम में से 100 ग्राम हम अलग कर लिए हैं और ये 150 ग्राम है, तो इसी हिसाब से हम चीनी ले लेंगे। 150 ग्राम चीनी ले लेंगे, जितना आप दाल लें उतना ही चीनी ले लें। चीनी के आधा पानी डाल देंगे और चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। जब चीनी गल जाए उसके 2-3 मिनट बाद तक पकाएं। बहुत थिक चाशनी नहीं चाहिए। इसमें हम हरी इलायची कूट के डाल दिए हैं फ्लेवर के लिए। इसमें आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं।
चाशनी बिल्कुल ऐसे चिपचिपी सी होनी चाहिए जैसे शहद होती है, जैसे आप गुलाब जामुन खाते हैं या रसगुल्ला जलेबी, उसी तरह से चाशनी होनी चाहिए, कोई तार नहीं होना चाहिए इसमें। ये पिसा हुआ चना का दाल डाल देंगे इसमें, लेकिन गैस ऑफ कर दिए हैं, गैस ऑफ करके ही डालें क्योंकि ये काफ़ी पानी सोखती है दाल। ये नारियल का बुरादा डाल देंगे, सूखा नारियल का बुरादा है, आप चाहें तो गोला ले आएं सूखा, ग्रेट करके डाल दें, ऑप्शनल है, पसंद हो तो डालें, नहीं तो कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बनाएं चाशनी ज़्यादा हो जाए तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे आधा घंटा 1 घंटा के लिए, तो सारी चाशनी दाल सोख लेगी, गीला नहीं होता है ये। लेकिन चाशनी किसी तार के नहीं बनानी है, जैसे ही चीनी गल जाए उसके 2-3 मिनट के बाद गैस ऑफ कर दें, फिर मिला लें, बहुत अच्छा मोदक बन जाता है, एकदम ये परफेक्ट तरीका है। अब इसे हम उतार लेंगे गैस से। इसमें शुगर सिरप बिल्कुल परफेक्ट बना था, ज़्यादा नहीं हुआ। यदि थोड़ा आपका मिश्रण गीला रहे तो 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो सारी चाशनी ये चना दाल सोख लेगी, ये मिश्रण सोख लेगा, अच्छे से आपका बन जाएगा। लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे मिलाकर। अब इसे हम उतार लेंगे, अभी बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर मोदक बना लेंगे। हम इस बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। ये आपको भर भरा दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छा मोदक बनेगा, इसे आप लड्डू भी बना सकते हैं। अब हम इसे टच कर सकते हैं, फिर भी हल्का गर्म है। एक ये मोदक का मोल्ड ले लें, अगर मोदक का मोल्ड ना हो तो हम बिना मोल्ड के भी अभी आपको दिखा देंगे मोदक आप बिना मोल्ड के कैसे बना सकते हैं। इसको पकड़ लेंगे और इसमें हम इसको अच्छी तरह से भर लेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे ताकि इसका शेप बढ़िया आए, अगर दबाएंगे नहीं इसमें तो हल्का फुल्का टेढ़ा हो जाएगा। ये इस तरीके से दबा लें बढ़िया से, फिर उसके बाद इसको हम खोल लेंगे। ये देखें कितना बढ़िया मोल्ड से बन गया है मोदक, बहुत अच्छा है और टेस्टी भी है। गणेश जी का आप भोग लगाएं। सारे मोदक हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। कितना बढ़िया मोदक का शेप बन रहा है। यदि आपको हाथ से मोदक बनाना है, थोड़ा सा ऐसे लड्डू की तरह करें, फिर इसको ऐसे कर लें इस तरीके से। अगर इसको और बड़ा करना चाहें तो और ऐसे पतला कर दें। आप चाहे चाकू ले लें या तो चम्मच के बैक साइड से, अगर आप डिजाइन बनाना चाहें तो डिजाइन बना लें, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें। डिजाइन आप कुछ चाह रहे हो तो ऐसे बैक साइड से आप कर दें। देखें चम्मच से कितना बढ़िया डिजाइन बन गया। कई तरह से मोदक के डिजाइन आप हाथ से भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये मोदक तो तैयार हो चुका है, अब हम गुड़ का मोदक बनाएंगे। ये 100 ग्राम पिसी हुई दाल है जो अभी फ्राई किए थे, और 100 ग्राम ही गुड़ ले लिए हैं, दोनों बराबर है। ये गुड़ नरम है, अगर आपका गुड़ कड़ा हो तो कढ़ाई में इसे गला लें, 2 चम्मच पानी डाल दें और कढ़ाई में गरम कर लेंगे, ये नरम हो जाएगा, उसी में ये इसको मिक्स कर लें। मिक्सी की जार ले लेंगे, इसी में डाल लेंगे, इसी जार में पिसी हुई दाल भी डाल देंगे, ये साथ में मिक्स हो जाएगा। रुक रुक कर मिक्सी चलाएंगे, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। ये ग्राइंड करके तैयार कर लिए और हम इसी कटोरी में पलट लेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, गुड़ हो या चीनी हो, और सूखे नारियल का पाउडर डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा, आप काजू बादाम कुछ भी आपको पसंद हो डाल लें इसमें। अच्छी तरह से नारियल भी मिक्स कर लिए। पारंपरिक तरीके से गुड़ और चना दाल का ही मोदक गणेश जी को लोग चढ़ाते हैं, उसी का भोग लगाते हैं।
वैसे किसी से भी बना सकते हैं, चीनी गुड़ और मावा से भी बनता है। मोल्ड ले लेंगे मोदक का और सेम तरीके से इसे भी बना लेंगे। अच्छी तरह से इसमें दबा के भर लेंगे। अब मोल्ड को खोल लेंगे। इस तरीके से हम गुड़ वाला भी मोदक बना लेंगे। देखें कितना बढ़िया कलर आया है और गुड़ हेल्दी भी होता है। सेम तरीके से हम गुड़ का भी मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। गणेश चतुर्थी के लिए इस तरह से मोदक बनाएं। ये गुड़ का मोदक है और ये चीनी का है, जो आपको पसंद हो बना लें। इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे। ये बनाना बहुत सरल है, एकदम परफेक्ट तरीका है, बिल्कुल नहीं खराब होगा। चाहे आप पहली बार बनाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा, आपको अच्छा भी लगेगा खाने में। इस तरीके से बनाएं। वीडियो पसंद आने पर अपने फैमिली और मित्रों में शेयर करें। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ मैं आप सबसे अपील कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए और बेल आइकन बटन दबा लेंगे तो हमारे लेटेस्ट रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।